महाराज जी, बड़ा चर्चा है कि आप अज्ञातवास में थे और इस अज्ञातवास में आपने किताब लिखी। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम। हम एकांतवास में थे 5 दिवस और 5 दिनों में 72 घंटे लगभग एक पुस्तक के लिए निकाली। 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चे जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, हम अपने गुरु कृपा पे हमें जो भरोसा है, बालाजी की कृपा पे जो भरोसा है, इतना कह सकते हैं जो बच्चों को सनातन के बारे में पता नहीं है, जो विधर्मियों के बहकाने में आ जाते हैं, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसको पढ़ने के बाद वो ताल ठोक कर कह पाएगा कि सनातन क्या है, तो बड़े गौरव के साथ कह पाएगा। तो 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की परीक्षा भी समूचे मध्य प्रदेश में आगे कराई जाएगी। ये किताब लगभग कब तक आने की संभावना है? एक डेढ़ महीना उसका प्रोसेस है। बार बार चेक होगी उसकी कॉपीज, बार बार चेक होगी, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, मात्रा में तो वो नहीं रह गई, कोई आध्यात्मिक वो शास्त्रोक्त कोई फैक्ट गलत तो नहीं, बार बार चेक होने का। एक डेढ़ महीना के अंदर इसका विमोचन होगा भव्य रूप से। और इसकी सबसे अद्भुत बात होगी कि बच्चों में उत्सुकता तब होगी जब इसकी परीक्षा कराई जाएगी, और परीक्षा का विधि और परीक्षा की व्यवस्था जिस दिन विमोचन होगी बताया गया। और ये एकांतवास कहाँ था, ये भी जिस दिन पुस्तक विमोचन होगा उस दिन। महाराज जी, बागेश्वर धाम की वजह से खजुराहो का पर्यटन भी फल फूल रहा है, लेकिन लेकिन एक सबकी बड़ी इच्छा है कि जब आपकी कथा होती है या बाहर जाते हैं तो खजुराहो खजुराहो का भी अगर नाम साथ में लेते जाए लगना चाहिए तो पर्यटन बहुत बढ़िया बन जाएगा। देखो, हमने गीत भी बनाए। अच्छा, आगे प्रभु आज्ञा स्वीकार है। जय मतंग।